हे गाइस, वेलकम बैक टू रिटन सोनी ब्लॉग्स। एंड आज के ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी दिनों बाद हो रही गाइस। एंड ये अपडेट देना था आपको कि आप लोग भी ब्लॉग का वेट मत करना। लाइक हफ्ते में एक दो पोस्ट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। एंड अभी तो गाइस एक एक हफ्ते का गैप हो जा रहा है क्योंकि एग्जाम सर पर हैं एंड सिलेबस कम्प्लीट नहीं हो रखा बिल्कुल भी। लाइक मैंने टारगेट बना रखा है 5 दिन में एक सब्जेक्ट को कम्प्लीट करना है, देन ओनली एग्ज़ाम में पास हो सकता हूँ। और उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। साल भर ब्लॉगिंग करी, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहा, तो यही वो टाइम है जिसमें मैं अपनी पढ़ाई को दे रहा हूँ। एंड ब्लॉग तो होते रहेंगे गाइस, पहले एग्ज़ाम पास हो जाते हैं, तो आई होप कि आप समझेंगे एंड जुड़े रहेंगे हमसे। एंड गाइस आज हम कहीं घूमने का प्लान भी बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से गए भी नहीं है। बाकी ये दिखाते हैं आपको, भैया लोग बाहर चूल्हे में सब्जी बना रहे हैं। गाइस आपने देखा होगा घर में मम्मी लोग अक्सर चूल्हे में गर्म पानी करते हैं, सब्जी भी चूल्हे में बना देते हैं। जब से मैं दिवाली से घर से लौटा तो भैया ना चूल्हे पे ही बना रहे हैं खाना। एंड फूक मारने के लिए है, आग जलाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भैया व्लॉग। और काफी दिनों बाद, हाँ मैं आपको काफी दिनों बाद दिख रही हूँगी। और आज हम कढ़ी बना रहे हैं। कढ़ी बन रही है, इसमें कितने घंटे लगते हैं चूल्हे में? ढाई घंटे। भैया लोगों को चूल्हे में बनाने की आदत है नहीं, तो एक जना फूक मारने के लिए चाहिए। बाकी गाइस कढ़ी चावल वैसे गैस का ज्यादा टेस्ट अच्छा है चूल्हे का। हमने तो कभी खाया नहीं, तो पता नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंस ही नहीं पता चलता। नहीं चल रहा पता? तो अब तो पता चल रहा होगा, अब तो खा ही रहे हो। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत, थोड़ा मीठा मीठा लगता है इसका, चूल्हे का अच्छा। और उधर नॉर्मल गोभी मटर और आलू की सब्जी चूल्हे में बनाई। हाँ अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी। रोटी भी चूल्हे की थी लेकिन थोड़ा राख राख लग जाती है। हाँ तो वो राख अच्छी होती है वैसे, इंसान भी तो राख का ही बना है। मिट्टी का। यहाँ पे पूरी गार्डनिंग हो चुकी है। ये है हरी सब्जी। हाँ वो भी हरी सब्जी। हाँ पापा, वो क्या है? लहसुन। लहसुन एक तरफ मिर्ची है, एक तरफ घी है। सारी सब्जी इन्होंने यहीं पर उगा रखी है। तो गाइस हम बच्चों के साथ शूट करके आ चुके हैं, चूल्हे में खाना बन रहा है। एंड अप्पू खड़ी है फूक मारने के लिए। भैया काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि भाई शूट करो, हम भी चूल्हे में खाना बना रहे हैं, मम्मी लोगों को दिखाना, तो टाइम नहीं लग रहा था। एंड फिर वो शूट करके ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे, तो आज का ब्लॉग मस्त कंटिन्यू करते हैं। एंड अभी चलते हैं, जल्दी से नहा धो के रेडी होते हैं एंड देन मिलते हैं आपसे। सो गाइस नहा धो के मैं हो चुका हूँ बिल्कुल रेडी। एंड गाइस हम कितने दिनों से कहीं गए नहीं थे, तो हमारे हेलमेट ना रखे रखे पूरे गंदे हो चुके थे, तो सोनू उनके शीशे वगैरह एंड चारों तरफ से साफ कर रही है। और जब से हमने स्कूटी ली हम मसूरी नहीं गए। लाइक हमारी जो ओल्ड स्कूटी थी उससे हम बहुत बार मसूरी गए, बट बार गए थे कितनी बार उससे, तो और इससे हम गए नहीं। हम गए थे उधर धनौल्टी वाले रास्ते से, बट मसूरी से पहले डाइवर्जन कटता है ना, लेकिन हम मसूरी पहुंच ही नहीं पाए। तो आज हम हिल स्टेशन मसूरी जा रहे हैं गाइस, और वहां घूमेंगे हम बहुत टाइम से। घूमेंगे एंड पैसे, ऐसे कोई बात नहीं, घूमने के पैसे थोड़ा होते हैं। सही बात, पर थोड़ा बहुत रख लेंगे जेब में कुछ खाने पीने के लिए। हम थर्मस और रख लेते हैं चाय इस बार। बस इतना कंजूस बनने के लिए किसने बोला तुम्हें? आपने। भाई मोए मोए का मतलब क्या होता है, इसने मुझे बताया था। तो आजकल वो चल रहा है ना ट्रेंडिंग में मोए मोए, तो मुझे बता रही थी मोए मोए का मतलब क्या होता है। मुझे पता है आप लोगों को भी पता होगा, तो पता है तो कमेंट कर देना गाइस। तो गाइस फाइनली वी आर रेडी टू गो। एंड अभी बज रहा है गाइस 1:30 बजने वाला है दिन के, एंड आई होप कि 6-7 बजे से पहले हम आ जाएँ। तो फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं गाइस मसूरी की तरफ को, एंड इसमें फ्यूल अप करना है क्योंकि फ्यूल तो एंड में ही है। तो फिलहाल स्कूटी निकालते हैं पहले जल्दी से। एंड काफ़ी दिनों बाद आज आप मुझे मोटो व्लॉगिंग के सेटअप में देख रहे होंगे गाइस। एंड मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है गाइस क्योंकि कंटिन्यूटी छूट चुकी है। एंड सोनू भी वहाँ पर वेट कर रही है शायद गेट के यहाँ पर, तो उसे पिकअप करते हैं जल्दी से। काफ़ी दिनों बाद हम लोग घूमने जा रहे हैं, आज भी नहीं जा रहे थे। मैंने सोचा यार छोड़ो, पढ़ाई तो होती रहेगी, एक दिन चले ही जाते हैं घूमने यार। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, एंड यहाँ से सिद्ध वाला क्रॉस करके बल्लूपुर से हम लोग शॉर्ट लेंगे गाइस सीधे ऊपर को कैंट के अंदर से होते हुए, देन सीधे हम निकलेंगे गाइस मसूरी रोड। एंड गाइस आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, और दिन धूप आ रही थी बट आज धूप नहीं है। भगवान को पता है ना आज हम घूमने जा रहे हैं और इन्हें गर्मी लग जाएगी, लेकिन ठंड का टाइम है, धूप निकलनी चाहिए थी यार। फिलहाल निकल रहे हैं गाइस, आई होप कि अच्छे से शाम को जल्दी लौट जाएं, 6 बजे तक 7 बजे तक भी चलेगा बट उससे ज़्यादा देर ना हो। एंड द थिंग इज़ गाइस स्कूटी चल चुकी है टोटल 3381, एंड इसकी सर्विस जो होनी है सेकेंड सर्विस, उन्होंने बोला या तो आप 5 या 6 मंथ कम्प्लीट कर लीजिए या फिर 6000 तक चला लीजिए। एंड मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही यार कि इतना ज़्यादा अगर मैं चला लूँगा कहीं इंजन सीज ना हो जाए, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1500 से 2000 के बीच में अपनी सर्विस करा लेता था। एंड अभी तक इसकी सेकंड सर्विस हुई नहीं है, पहली सर्विस 500 में हुई थी, एंड सेकंड सर्विस का जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है गाइस 6000 किलोमीटर पर, एंड जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। आप कमेंट करना गाइस नई स्कूटी की सेकंड सर्विस कितने किलोमीटर में हो जानी चाहिए, मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा एंड देन उस हिसाब से मैं सेकेंड सर्विस की अपनी अपॉइंटमेंट लूँगा। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं, रोड आज थोड़ी साफ़ है और दिन यहाँ पर जाम रहता है पूरा। दिवाली की वजह से तो बहुत जाम था, बट जब से दिवाली ख़त्म हुई है एंड देन छठ पूजा आ गई थी, देन उसकी वजह से ही बहुत जाम था इस वाली रोड पे। एंड ये हमारे बाबू भैया UK07 राइडर जो कि बिग बॉस में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, एंड बाबू भैया को सपोर्ट करो यार, उत्तराखंड देवभूमि से हैं।
एक मिडिल क्लास का लौंडा आज टीवी पे शो कर रहा है एंड काफ़ी लोगों ने पीछे उनकी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसे पता है उसे पता है बाबू भैया का डायलॉग है, उन्हें सपोर्ट करिए गाइस, वोट फॉर बाबू भैया। एंड द थिंग इज गाइस, प्रेम नगर से पहले पहले जो ये चौड़ाई पड़ती है ना, इस तरफ आप दीवार देख रहे होंगे, सारी की सारी दीवार वीरान पड़ी हुई थी, बट आजकल इसमें जो बीए फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स हैं जो कि आर्टिस्ट हैं गाइस, इन्होंने काफ़ी अच्छी पेंटिंग कर रखी है, आप देख सकते हैं भाई पूरी दीवार सजा दी है, अच्छी लग रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा। गाइस फ्यूल स्टेशन आ चुका है एंड फ्यूल अप कराते हैं यहाँ से, 210 इज़ इनफ भैया, 210 का। तो गाइस फ्यूल अप करके हम लोग निकल चुके हैं एंड मौसम तो ऊपर क्लियर दिख रहा है, बट आज हमारी तरफ धूप नहीं आई थी तो मुझे लगा भाई ठंड होगी, बट ऊपर धूप है, सही है मौसम। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं मसूरी रोड पे एंड यहाँ से थोड़ा बहुत ठंडा स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ से स्पीड अप करते हैं क्योंकि रोड थोड़ी सी चौड़ी है एंड अभी जिस रोड से आए वो बहुत पतली थी भाई एंड उस रोड में इतनी भीड़ थी क्योंकि सब सोचते हैं ना शॉर्ट रास्ता है तो सब उधर ही से घुसने की कोशिश कर रहे थे। भाई साहब जाम लग चुका है गाइस, आज संडे है ना तो वीकेंड रहता है, लाइक सैटरडे संडे हमेशा ही भीड़ रहती है गाइस। गाइस मॉडिफिकेशन बची हुई जल्दी से 2K सब्सक्राइबर करा दो भाई, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ ना, इतनी बार, बट आप सुनते ही नहीं यार, शेयर करो ना। चलो आपने कर लिया सब्सक्राइब मानता हूँ, आपके घर में जितने फ़ोन है उसको सब्सक्राइब करवाओ, फिर अपने फ्रेंड को शेयर करो भाई, फेसबुक में भी मैं ब्लॉग पोस्ट करते रहता हूँ वहाँ से शेयर करो, क्यों नहीं करते भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार। गाइस पहुँचने वाले मसूरी, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों का राजा कौन है अगर पहाड़ों की रानी मसूरी है तो? सोनू पहाड़ों का राजा कौन है गाइस, कमेंट करके बताओ पहाड़ों का राजा कौन, अगर पहाड़ों की रानी मसूरी तो पहाड़ों का राजा कौन, तो कमेंट करो जल्दी से यार, चाहे गूगल करो कहीं से भी करो, लेकिन कमेंट जरूर करना। गाइस स्कूटी पार्क कर दी, बड़ी मुश्किल से ऐसी पार्किंग मिली है, देख रहे हो जाली के ऊपर पार्क कर रखी है एंड सबने ऐसी कर रखी है। बाकी निकलते हैं गाइस हिल स्टेशन मसूरी की तरफ। ये वाला देखो, पुलिस ने ना टायरों में जंजीर बांध रखी है यहाँ पर, तभी तो यहाँ नो पार्किंग है ना, फिर भी पार्किंग करी पूरा देहरादून, देन ये पूरे मसूरी वाले गाँव में इधर की तरफ एंड ये है मसूरी, ये देखो एंड वो देखो, ये देखो सामने ये जॉर्ज जेफरिस आ रहा है हेलीकॉप्टर, ये ग्राउंड लेगा देन फिर चले जाएगा जॉर्ज जेफरिस। ये है गाइस ओल्ड लाइब्रेरी एंड अब हम जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ को एंड यहाँ पर रिक्शे से भी जा सकते हैं आप एंड पैदल भी जा सकते हैं, बट हम लोग जाएंगे पैदल पैदल। गाइस मॉल रोड में आ रखे हैं एंड यहाँ पर ठंडे के सारे कपड़े मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ठंडा बहुत होता है इस टाइम पे, आज तो कोहरा नहीं है बट अगर कोहरा होता तो फिर हालत ख़राब। ये देखो जैकेट्स एंड बड़ी मार्केट तो और आगे है अभी। ये देखो गाइस आई लव मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स। गाइस देखो बच्चे दिख गए दो, लड़ाई कर रहे हैं देखो रिक्शे में बैठ के। ये देखो बाय करो सोनू, बाय 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 बाय। सोनू कहाँ जाना है? यहाँ पैसे ना लगते हो, यहाँ चलो फिर, आओ चले आ जाओ। अरे टिकट काउंटर तो झूले के लिए है ना, जो नाव जाए वहाँ पर। सोनू कह रहे जहाँ पैसे नहीं लगते वहाँ जाएंगे, तो यही वो जगह है जहाँ पैसे नहीं लगते जाने के। गाइस यहाँ पर ना शहीद स्मारक बना रखा है, इस बिल्डिंग में ना जूते चप्पल ले जाना मना है एंड यहाँ पर सीढ़ी में बैठ के फोटो खिंचाना भी मना है। हाथ जोड़ो चलो, जय हिंद। ये देखो यहाँ पर रोप वे भी है एंड यहाँ से आप टिकट लोगे देन ऊपर को जाओगे देन फिर नीचे को आओगे। गाइस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं गाइस, क्योंकि सोनू कह रहे थे जहाँ पैसे नहीं लगते वहाँ जाना है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए, फोटो भी कर लिया है ना, चले। ये देखो गाने ही बज रहे हैं फ्री फ्री में। गाइस ये वाला झूला भी आप यहाँ पर झूल सकते हो एंड ये देखो भाई ये पूरा गोल कर दे रहा है, यहाँ पर गेम भी खेल सकते हो, यहाँ पर गेम लगे हुए हैं। बाहर निकल रहे हैं गाइस अब हम यहाँ से, ये देखो गाने के साथ जखम। गाइस हम निकल रहे हैं मॉल रोड से वापसी एंड यहाँ भी एक रिक्शा स्टैंड है गाइस, जो वहाँ से यहाँ को लेके आता है यहाँ से वहाँ को। फोटो शूट करने के लिए आज रिक्शा चला रहा हूँ, ठीक है। आओ माल रोड, माल रोड, माल रोड, माल रोड, माल रोड, माल रोड, आओ फ्री में, फ्री में। अरे नहीं आना भैया, समझ नहीं आता क्या आपको एक बार में? चलो चलो फ्री में, माल रोड, माल रोड। इनको सवारी नहीं मिली तो ये वापस उतर गए। ओहो ओ भाई साहब, मॉडर्न रिक्शा वाले हैं, इन्होंने हेलमेट रखा है पास। सेफ्टी है, चलान काट दिया पुलिस वालों ने तो। मौसम क्या मस्त हो रखा है एंड विंटर में मसूरी आना गाइस बहुत अच्छा लगता है, बट ठंड भी होगी साथ साथ में। अभी इस टाइम बहुत अच्छा है, जनवरी में तो बहुत ठंडा, बहुत ठंडा और दिखता ही आ गया क्या है करके। हाँ बहुत फॉग हो जाएगा बहुत ज्यादा। गाइस हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड की एग्जिट पे एंड देन हमने स्कूटी ऊपर की तरफ पार्क कर रखी है, पहुंच चुके अपनी पार्किंग पे एंड वो रही हमारी स्कूटी कार के पीछे से। तो फिलहाल गोप्रो निकाल रहे हैं एंड बैटरी भी चेंज करनी क्योंकि पहली वाली बैटरी डेड हो चुकी है, तो सेटअप करते हैं मोटो व्लॉग एंड देन वे टू देहरादून गाइस। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से मसूरी से एंड आधा घंटा लग जाएगा जाम क्रॉस करने में ऊपर का। तो फिलहाल अभी 5 बज चुके हैं गाइस एंड आई थिंक 6:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे देहरादून। निकल रहे हैं गाइस हिल स्टेशन मसूरी से एंड ये वो स्पॉट है सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं जहाँ पर लोग रुक रुक के फोटो खिंचाते हैं
एंड पुलिस वालों ने बहुत सारी गाड़ी यहाँ पर सीज कर रखी थी, लाइक ताला वाला लगा दिया उनमें भाई चैन डाल के। बाय बाय मसूरी, मिलते हैं फिर से। एंड गाइस यहाँ पर बस स्टैंड है, देहरादून जाएगी ये वाली बस। एंड टुमारो इज 27th of November, कल गंगा स्नान है। एंड आप सभी देशवासियों को, मेरे उत्तराखंड वासियों को गंगा स्नान की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ गंगा की आशीर्वाद आप सब के ऊपर बना रहे। लाइक 5 बजे मसूरी से निकले एंड अवर टारगेट इज रीचिंग 6:30 एट देहरादून। तो फिर देखते हैं, 1.5 घंटे में पहुँच तो जाना चाहिए, बस थोड़ा सा जाम ऊपर लगा था एंड अभी तो रोड क्लियर मिलेगी जाते समय। सो गाइस मैं रुक चुका हूँ क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड मेरे पास ग्लव्स हैं, तो फिर मैं ग्लव्स का यूज़ कर ही लेता हूँ, आखिर ये कब काम आएंगे, है ना। बस ग्लव्स में एक दिक्कत है, ये मोटे ग्लव्स है ना, तो बटन को ऑन ऑफ करने में दिक्कत हो रही है गोप्रो के। बट होगा तो ठीक है, वरना फिर मोटो व्लॉगिंग अभी करेंगे नहीं, संभाल देंगे गोप्रो को। बट लेट्स गो, अब मज़ा आ रहा है भाई साहब, देख रहे हो ग्लव्स कितना ज़्यादा सुकून देते हैं हाथों को। ओए होए, वैसे मेरे हाथ पर बहुत ठंडे रहते हैं यार ठंड के टाइम पे। आप ठंड के टाइम पे तो आपको हो गए ठंडे होते ही हैं, भाई मेरे वैसे भी ठंडे रहते हैं। मैं लाइक बाहर से आया फिर मैं गद्दे के अंदर जाऊंगा ना, तब भी मेरे पैर ठंडे ही रहेंगे हमेशा। एंड हम नीचे को जा रहे हैं एंड बहुत सारे लोग अभी भी ऊपर को आ रहे हैं। दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है मसूरी में, बहुत ज़्यादा, और ठंडा भी भयंकर ही होता है गाइस, इसलिए तो पहाड़ों की रानी बोलते हैं। गाइस हम पहुंच चुके हैं देहरादून और ये देखो भाई अंधेरा हो चुका है पूरा का पूरा। अभी आपको उजाला दिखेगा, बट उजाला भी आपको दिखेगा जब हम मेन रोड पर आ जाएंगे गाइस, मार्केट वाले एरिया पे। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका था मसूरी हिल स्टेशन घूम के एंड आज की ट्रिप वाज अमेजिंग। काफी दिनों बाद गए तो अच्छा लगा एंड हर वीक हम सोच रहे कहीं ना कहीं घूम के आएंगे, बट फिलहाल पहले ये जल्दी से एग्जाम निपट जाए अच्छे से एंड उसके बाद आपको उत्तराखंड की नई नई प्लेसेस हम लोग एक्सप्लोर कराएंगे। बाकी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, थोड़ा सा प्यार दिखाना गाइस इस व्लॉग में एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बी सेफ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।